गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा एक और ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं मॉर्निंग का खाना बना रही हूँ। ये देखो इधर मेरा खाना, मेरा चावल हो चुका है, और इधर देखो यहाँ पे मैं सब्जी बनाऊंगा। सब्जी तो वो बेम्बू सूट और साग बनाऊंगा, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कौन सी साग है। पहले इसे आपको इधर दे देता हूँ। ओह माय गॉड, इधर तो ज़्यादा हो गया है। ये देखो मेरे चावल को भी मैंने ढक दिया है। तो इधर मेरा सब्जी भी थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है। इधर देखो ये वाला साग, इसको क्या कहते हैं मालूम नहीं मुझे इसका नाम। आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। इसको मैं बनाऊंगी, और इसके अंदर ये देखो बेम्बू सूट और आलू ड्राई फिश के साथ बनाऊंगी मैं। इधर ड्राई फिश भी निकाल के रखा है, अभी मैं बनाऊंगी। देखो अच्छे से पानी बॉल हो रहा है अभी। तो अभी बेम्बू सूट और आलू को देंगे। अभी कल जो मैंने सब्जी बनाया है उसमें ऐसा वाला रेसिपी नहीं बनाया है, क्योंकि ज़्यादा हो गया है कल सब्जी, इसलिए नहीं बनाया है। तो आज बना के आप लोगों को दिखाया है। अभी इसको थोड़ा पकाएंगे, आलू पकने के बाद ही साग को देंगे। अभी साग को तोड़ेंगे। अभी ये देखो मैं साग को भी दे दिया है, और थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। ये देखो अभी हमारा सब्जी भी हो गया है, और उसके बाद ये देखो मेरे पापा अभी खाना खा रही है, क्योंकि कल रात को भी जल्दी खाया है, इसीलिए आज मॉर्निंग को जल्दी भूख लग गया, इसीलिए वो अभी खा रहा है। देखो अपने आप ही खा सकता है मेरा पापा, तो बहुत स्मार्ट हो गया है ना पापा, हैं? मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं काम करूँगी। ये देखो मेरा काम, इधर देख सकते हैं मेरा बेड। ये देखो अभी इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। देखो इधर भी ये खाना खा रहा है, तो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। ये देखो मेरा काम। Oh, oh, oh.
पापा तो ऑलरेडी खाना खा चुका है तो उसको सुलाया। ये देखो अभी सो रहा है, उससे उसको सुलाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आया, हम लोग खाना खाया और बागान से आया तो खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया वो भी, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद अभी फिर से वो मॉर्निंग में राबर काटा था वो, उसका दूध फिर से लाना पड़ता है इसीलिए वो बागान में फिर से गया है। और मेरा तो अभी कुछ काम नहीं है, पापा भी सो रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखो क्या कर रही हूँ। मेरा सब काम ख़त्म होने के बाद मैं ये काम करती हूँ, देखो इसे हम रिगनाई बोलते हैं, इसीलिए ये बनाती हूँ मैं। सारे काम करने के बाद पापा भी सो जाने के बाद मेरा तो काम नहीं है, ऐसे रह के बोरिंग हो जाता है, इसीलिए मैं ये कपड़ा बनाती हूँ मैं। देखो मैं अभी ये बनाऊँगी। ये देखो मेरा पापा उठ के नहा भी लिया है, अभी खाना खा रहा है। देखो पापा पापा आना ना सीटी आना ला को कुपुटी है ना, ये नगरी कुपुटी पापा नीन कुपुटी चो 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 मायो भी नहीं आ सीना कद चो चो इधर देखो मैं भी नहा लिया है, नहाने के बाद मैं भी खाना खा लिया है और अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से वो मेरा कपड़ा बना रही थी मैं, वो फिर से बनाऊंगी। अभी थोड़ा खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे, मेरा पापा भी खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेगा ना पापा। ओ जाओ पापा कभी। तो मैं दोपहर का खाना खाने के बाद और नहा भी लिया है, नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर से मैं ये मेरा कपड़े में बैठ गई हूँ कपड़ा बनाने के लिए। और मैं एक बार सोच रही थी कि मैं आज से हिंदी और कॉक ब्लॉग दोनों लैंग्वेज से ब्लॉग करूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी भी बोलना अच्छा लगता है, फिर भी हिंदी मुझे अच्छे से नहीं आता है, इसलिए उसके साथ मैं कॉक ब्लॉग भी बोलूँगी, दोनों मिक्स करके ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज मैंने जो दिखाया है पूरा दिन का मेरा काम है, मैं जो दिन भर यही काम करती हूँ। और मेरा पापा तो उसकी दादी माँ के साथ ही पूरा दिन रहती है, इसीलिए उसे ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसकी दादी की साथ वो खेलती रहती है पूरा दिन भर, उसके साथ ही रहती है इसीलिए उसको ज़्यादा नहीं दिखाया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सबको मेरे साथ देने के लिए, और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सबको।